बॉलीवुड गलियारा बहुत ही विशाल है। यही कारण है कि आए दिन कई सारे सितारों से जुड़ी खबरें सामने आती रहती हैं। वही जहां हम आज आपको बताने जा रहे हैं 90 के दशक की सबसे टॉप की जोड़ी माने जाने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और रवीना टंडन की। जी हां, आपको बता दें कि एक समय में इन दोनों को कामयाब फिल्मी जोड़ियों के रूप में सबसे ऊपर माना जाता था, लेकिन हुआ यूं कि कुछ ही समय बाद इन दोनों ने जब लगातार कई टॉप की फिल्में दी तो इनके अफेयर की खबरें भी आने लगी थी और जिसके बाद दोनों टॉक ऑफ द टाउन हो गए। दोस्तों, ये बात सच है कि इनकी प्रेम कहानी काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं चली और कुछ ही समय में इनका ब्रेकअप भी हो गया था। पर वहीं आज खबरों की माने तो अक्षय ने रवीना को प्यार में धोखा दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम आपको इनके बारे में क्यों बता रहे हैं, तो बात हम आपको बता दें कि होली का समय आ गया है और अगले दिन हर कोई रंगों के इस त्यौहार में डूब जाएगा। लेकिन इसी बीच होली से ठीक पहले रवीना टंडन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें आप देखेंगे कि रवीना इतने सालों बाद अक्षय के साथ अपने ब्रेकअप की कहानी के बारे में बता रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि रवीना कहती हैं उन्होंने अपने कैरियर को विराम देकर शादी कर लेने का फैसला खुद उनका था। हालांकि जब उन्होंने पर्दे पर वापसी करने का फैसला किया तो अक्षय इस बात पर सहमत नहीं थे। रवीना बता रही थी कि उस दौरान अक्षय उनसे उम्मीद करते थे कि वह उन्हें हर बार धोखा देने के बाद भी उन्हें स्वीकार कर ले, लेकिन रवीना का कहना था कि वो करीब 3 साल तक अक्षय के बार बार धोखा देने पर भी उनके साथ बनी हुई थी। इतना ही नहीं कि इन सब के बावजूद उन्होंने कोशिश की कि वो अंत तक इस रिश्ते को निभा सके। रवीना ये भी बताती हैं कि किस तरह अक्षय का ईमानदार होना उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। हाँ, ये बात अलग है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर होकर खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं। जहाँ रवीना ने अनिल थड़ानी से शादी की तो वहीं अक्षय ने भी दूसरी ओर ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली और अब वो एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। वहीं बात करें इनके वर्क फ्रंट की तो हाल ही में अक्षय की फिल्म केसरी सिनेमाघरों में आने वाली है और वहीं दूसरी ओर रवीना ने भी पिछले साल मात्र में अपनी दमदार भूमिका को एक बार फिर से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।